Good morning students, how are you? I hope you all are fine and safe. As you know, myself Veena Gupta. In last video, we study chapter 1, Knowing Our Number. So students, मैंने आपको उसके homework दिया था. I hope आपने वो कर लिया होगा notebook पे अच्छे से. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में बताया था. तो आज हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ही क्वेश्चंस करेंगे. उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आप करेंगे एग्जांपल से. तो लेट अस स्टार्ट. हाँ तो बच्चे स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. ये आपको मैंने चार्ट बना के बताया था. इसमें आपको बताया था कि पीरियड्स कौन से होते हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड क्रोर्स. वंस में यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड थ्री प्लेसेस होते हैं. एंड थाउजेंड में थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड्स. लैक्स में भी टू प्लेसेस, लैक्स, टेन लैक्स. क्रोर में भी क्रोर, टेन क्रोर. तो सब में टू टू प्लेसेस होती हैं. इनके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको नंबर को रीड कैसे करते हैं बताया था. लाइक दैट 39 के बाद कोमा लगाया है, यहाँ 57 के बाद कोमा लगाया है, टू टू प्लेसेस के बाद कोमा लगाया है. कोमे जो लगाते हैं हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ कोमा लगेगा. इसके बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर कोमा लगेगा. लैख, टेन लैख, फिर कोमा लगेगा. थर्टी करोड़ एंड टेन करोड़. तो ये जो हुआ 39 करोड़ के नीचे आ गया एंड 57 लाख के नीचे आ गया, 62,000 के नीचे एंड ये सारा वंस प्लेस के नीचे. अब ये इसमें लिखेंगे कैसे इसको, 39 करोड़, 57 लाख, 62,000 एंड 438. तो आज हम इसके बेस पे सम्स करेंगे कि आपको सम्स कैसे एक्सरसाइज में आएंगे. तुम्हें क्या करना है, राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. न्यूमेरल में कैसे लिखना है, अगर आपको ऐसे वर्ड्स में लिखा हुआ है 70,053, 70,053 को आप न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे. तो ये 70,000 है, तो सबसे पहले आपको प्लेसेस लिखने हैं कैसे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. तो 70,000 है, तो 70,000 में सबसे पहले 10,000 के नीचे क्या आएगा, 7,000 के नीचे जीरो, तो ये बन गया 70,000. फिर इसके बाद है 53, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 100 प्लेस पे आपको जीरो लिखना है और 53. इसको देखिए रीड करेंगे तो क्या आएगा, 70,053. तो ये न्यूमेरल में हम इसका आंसर 70,053 का न्यूमेरल में आएगा, 70,053. इस तरह से इसको न्यूमेरल में लिखना है. इस तरह से नेक्स्ट है 6,02,009. तो 6,02,009, 6 लाख, लैख तक है. तो आप इसे पहले इसके प्लेसेस लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख. लैख तक लिखना है आपको क्योंकि 6 लाख तक है. तो 6 लाख के नीचे, लैख के नीचे आएगा 6,02,000. 2,000 आ रहा है ओनली, तो 1,000 के नीचे 2, 10,000 के नीचे 0, क्योंकि ना 12,000 नहीं है, 2 डिजिट का नहीं है, 2,000 है. तो 1,000 के नीचे 2, 10,000 के नीचे 0 एंड 9. अब ओनली 9 है, 9 तो वंस प्लेस पे आ गया, तो 100 एंड 10 प्लेस पे क्या होगा, 0. तो ये 6,02,009 का न्यूमेरल में आएगा 6,02, ये 2,000 हो गया एंड 0,09, ये 9 हो गया. तो 6,02,009 इसको इस तरह से न्यूमेरल में लिखेंगे. इस तरह से नेक्स्ट है 12,12,12,000. इसको नुमेरल में कैसे लिखेंगे, तो 12 करोड़ तक, करोड़ तक आप इसको पहले इसके प्लेसेस लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़. टेन करोड़ तक हमने लिखा क्योंकि ये 12 करोड़ है, 12 करोड़ है. तो 12 का 1 इधर एंड 2, 1 12 टेन करोड़ के नीचे और करोड़ के नीचे 2. इस तरह से 12 लाख है, तो 1 इधर आएगा 10 लाख के नीचे और लाख के नीचे 2. इस तरह से 12,000 में 10,000 के नीचे 1,000 के नीचे 2. इसके बाद 12 है ओनली,
ट्वेल्व है तो वन हंड्रेड प्लेस पे जीरो एंड टेंथ प्लेस पे वन, वंस प्लेस पे टू। तो 12 करोड़, 12 लाख, 12,000, 12 को न्यूमेरे में लिखेंगे, 12, 12, 12, 100 प्लेस पे जीरो हो गया 12, तो ये हो गया 12 करोड़, 12 लाख, 12,000, 12। सो स्टूडेंट्स, इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरल में कैसे लिखना है ये आपको समझाया। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम न्यूमेरल वैल्यू दी हुई है उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। पहले वर्ड्स में लिखा था, उसे न्यूमेरल में किया, अब आपका न्यूमेरल में लिखा है और उसको वर्ड्स में लिखना है। इसी तरह से आपको वर्ड्स में लिखना है। लेट्स सी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अभी हम वर्ड्स में लिखेंगे, तो नंबर आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको नंबर दिया हुआ है, इसको आप प्लेसेस पहले लिखेंगे, 69007 ये नंबर है, ठीक है। ऊपर लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। जैसे कि ये 10,000 तक आया है, 10,000 पे आया है तो इसका मतलब ये हो गया 60, और ये 9 इधर आया है 1,000 के नीचे तो 69, तो ये क्या बना 69। हंड्रेड प्लेस पे भी जीरो है, टेंथ प्लेस पे भी जीरो है, वंस प्लेस पे है 7, तो इसका मतलब ये हुआ 69 एंड 69,000, और लास्ट में क्या आएगा 7। तो जब इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 69,007, क्योंकि 100 और टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 100 और टेंस पे कुछ नहीं आएगा, तो 69 ये 1,000 है, 69,007। इस तरह से नेक्स्ट है, ये दिया हुआ है आपको 5, 0, 3, 0, 4, 0, 1, 2, ये एक नंबर दिया है। सबसे पहले हमने कॉमा लगाई दिया इसमें, वंस, टेंस, हंड्रेड, कोमा, थाउजेंड, 10,000, कोमा, लैक, 10 लाख, कोमा एंड करोड़। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ तक आएगा। तो सबसे पहले करोड़ के नीचे क्या है, 5, तो इसे कैसे लिखेंगे, 5 करोड़। 10 लाख के नीचे कुछ नहीं है, लाख के नीचे 3, तो 3 लाख। इस तरह से 10,000 के नीचे कुछ नहीं है, 1,000 के नीचे 4, 0 है इसके नीचे तो 4, ये हो गया आपका 4,000। 100 के नीचे कुछ नहीं है, टेंस के नीचे 1 है, वंस के नीचे 2 है, तो ये बन गया 12। तो इसे कैसे लिखेंगे, 5 करोड़ 3 लाख 4,000, 12, 5 करोड़ 3 लाख 4,000, 12। तो वर्ड्स में इस तरह से आपको लिखना है। एक और देखिए, 1909090990, इस तरह से सबसे पहले प्लेसेस लिखेंगे आप, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये कहाँ तक आया, 10 करोड़ तक। 10 करोड़ के नीचे 1 है, करोड़ के नीचे 9 है, तो ये क्या बना, 19 करोड़। इस तरह से लाख के नीचे 9 है, 10 लाख के नीचे 0 है, तो ये बना 9 लाख। 10,000 के नीचे 0 है, 1,000 के नीचे 9 है, तो क्या बना, ये 9,000। अब यहाँ 900 के नीचे 9 है, टेंस के नीचे भी 0 है, वंस के नीचे भी 0 है, तो क्या रीड किया जा रहा है, इसे 900। तो इसी तरह से लिखेंगे, 19 करोड़ 9 लाख 9,900। तो इस तरह से आपको लिखना, 19 करोड़ 9 लाख 9,900। क्लियर? तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। पहले हमने न्यूमेरल्स किए थे, वर्ड्स में दिया हुआ था, न्यूमेरल्स किए थे, अब हमने न्यूमेरल में दिया हुआ है वर्ड्स में कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, देखिए ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, 13,765, इसको पहले रीड करिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ये क्या हुआ, 13,765। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, यानी कि अलग अलग इसके हर एक डिजिट को अलग अलग करके इस एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको करना है। कैसे करेंगे, जैसे पहले सबसे पहला डिजिट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई, ये किस प्लेस पर है, 1 जो है, मैंने जैसे ये बताया था, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ये 10,000 पे है, तो 1 मल्टीप्लाई 10,000,
तो आपको यहाँ पर जो वन के आगे जितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि 10,000, इतनी जीरो लगानी है। पहला डिजिट लेना है 1 × 10,000, इसे ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस, फिर प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट डिजिट लेना है जैसे 3, अब 3 के बाद कितने जीरो हैं, ये डिजिट है 3, तो 1, 10, 100, तो उतनी जीरो यहाँ लगेगी, जैसे 1, 10, 100, ये 1000 प्लेस भी हो गया, तो 3 × 1000, इस तरह से प्लस का साइन लगेगा, फिर इसी ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 7, 7 × 100, क्योंकि 7 के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो 2 डिजिट से क्या बन गया, 100, फिर प्लस का साइन। फिर नेक्स्ट डिजिट लेंगे 6 × 6 के बाद एक ही डिजिट है तो 10, फिर प्लस, लास्ट डिजिट है 5, 5 × 1। इस तरह से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है कि फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट डिजिट लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर फर्स्ट डिजिट के आगे जितने भी डिजिट हैं उतनी जीरोज लग जाएंगी, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट डिजिट लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और इसके आगे जितने डिजिट हैं उतनी जीरो आएगी, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट डिजिट लेंगे, और उसके आगे जितने डिजिट हैं उतनी जीरो आ जाएंगी, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट डिजिट लेंगे, इस तरह से लास्ट वाला जो है 5 × 1, लास्ट डिजिट तक आपको लेना है 5 × 1, ये दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा के बीच में ब्रैकेट्स, फिर प्लस प्लस के साइन आएंगे सारे, और फिर इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। इस तरह से नेक्स्ट है 23, 06, 608, इसमें देख रहे हैं आप 00 भी आ रहे हैं, इसमें कोई जीरो नहीं था। अगर जैसे जीरो आते हैं तो हम इसमें कैसे करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000,000, 10,000,000, तो ये 1000,000 है। पहले सबसे पहले 2 डिजिट लेंगे, स्टार्ट करेंगे 2 डिजिट से, 2 × 2 के आगे जितने डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, काउंट करके आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो लेनी है, फिर ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन। नेक्स्ट डिजिट लेंगे 3 के बाद कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, आपको कितनी जीरो लेनी है, 5 जीरो, प्लस का साइन याद रखना, बीच में प्लस का साइन आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो आएंगे वो मल्टीप्लाई के साइन आएंगे, प्लस। नेक्स्ट अब क्या करना है, जीरो आ रही है तो आपको इस जीरो को नहीं लेना है, जीरो को छोड़ देना है, आपको लेना है 6, नेक्स्ट डिजिट। जब हम 6 लेंगे तो 6 के आगे कितने, 1, 2, 3, 3 डिजिट हैं, तो 6 × 1, 2, 3, 3 जीरो आएंगी, प्लस, फिर अगेन 6 आ रहा है, फिर 6 को लेंगे, अब इस 6 के आगे 2 डिजिट हैं, तो 6 × 1000, 100। जब हमें 6 के आगे तो इस जीरो को काउंट करना है, तो 2 डिजिट हो गए, अब इस जीरो को छोड़ देना है, लास्ट वाला रह गया हमारा 8, 8 × 1, तो लास्ट में आ गया 8 × 1। आपने देखा अपने दोनों जीरो हैं, इनको छोड़ दिया है, इन जीरो को कहीं नहीं लिया है, आपको सिर्फ डिजिट को लेना है, 2, 3, ये 6 और 8, इनको लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काउंट करनी है। जब हम यहाँ 2 लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब काउंट तो करेंगे जीरो को यहाँ पर, लेकिन जीरो को यहाँ नहीं लेना है, आपको जीरो को छोड़ देना है, उसके बाद वैसे ही काउंट करते हुए आपको जितने डिजिट हैं उतने ही जीरो लेनी है। इस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? अब हम करते हैं नेक्स्ट, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 4। अभी हमने जो किया था वो एक्सपेंडेड फॉर्म की थी, अब आपको जो यहाँ दी हुई है ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको इसका ये नंबर बनाना है। देखिए, अब पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें ये नंबर दिया हुआ था, आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म करनी थी, अब इसका अपोजिट है कि ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और इससे आपको एक नंबर बनाना है, तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 3 × ये कितनी जीरो है, 4 जीरो, यानी कि 10,000 है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। ये तो पता है आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन है, ठीक है। फिर 2 × 1000, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ गया, प्लस 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 70, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। इस तरह से पहले आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इनको प्लस, क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो आपको प्लस करना है, आता है ये, वैसे ही इसको प्लस करना है, 30,000 में 2000 और 670 प्लस 5, इस तरह से आपको इनको प्लस करना है, प्लस करके आ गया 30,675।
इस तरह से एक और। नेक्स्ट फोर मल्टीप्लाई, देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़। तो इसमें आपके कितनी जीरोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, करोड़। इसमें कितनी जीरो है, 5 जीरो है। उसके बाद प्लस 7 मल्टीप्लाई थाउजेंड, प्लस 8 मल्टीप्लाई हंड्रेड, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। तो जिस 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे जितनी जीरो आ रही हैं वो सब जीरो आएंगी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़। तो 4 को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 करोड़ आ गया, प्लस 5 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख हो गया, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 5 लाख। प्लस 7 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,000, प्लस 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। इनको जब मल्टीप्लाई कर दिया अब देन ऐड कर देंगे। जब इसे ऐड करेंगे तो बड़े ध्यान से इसे ध्यान रखना है कि किस तरह से इसको ऐड करते हैं। चाहे मैं आपको ऐड करके बता देती हूँ, 4, 0, 0, 0, आपको जीरो का जरूर ध्यान रखना है कि ये जीरो जो है आप काउंट करके जरूर लिख दें, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप गड़बड़ कर देते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़। तो जितनी जीरो है उतनी जीरो आपको काउंट करके लिख देनी है। इसमें कितनी जीरो है, 7 जीरो। अब जब ये 5 और ये 5 जीरो हैं तो आपको पीछे से जीरो के नीचे जीरो लिखनी है एंड कोमा 0, 0, अब यहाँ आएगा आपका 5। इस तरह से आपको ऐड करना है, नहीं तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद 7,000, इस तरह से 7 इधर आएगा। पीछे से आपको काउंट कर, पीछे से लिखना है, आपको स्टार्ट करना है 0, 0, 8, देन 6। इस तरह से इसको आप ऐड करेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये 0, 0, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 0 आ गया, इसके बाद यहाँ 8 आ गया और ये कोमा आएगा यहाँ पर 7, और इसके नीचे यहाँ 0 आ गया, फिर कोमा आ गया और ये 5, और फिर 0, और फिर ये 4, यहाँ कोमा आ गया। अब ये बन गया आपका 4,05,07,806। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसे बड़े ध्यान से इसे काउंट करके जीरो के नीचे जीरो इस तरह से प्लस करना है आपको, इसलिए मैंने आपको प्लस करके बता दिया है। इस तरह से आपको जो एक्सपेंडेड फॉर्म दी है उस तरह से उसको नंबर्स का बनाना है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल दैट क्लियर। तो इनफ फॉर टुडे, नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क। फर्स्ट राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसके अकॉर्डिंग इनको आपको न्यूमेरल्स में लिखना है। इसके मैंने 2 पार्ट्स दिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स में जैसे मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन बताया था, इसके मैंने 3 पार्ट्स दिए हैं, आपको इनको वर्ड्स में लिखना है। एंड थर्ड इज एक्सपेंडेड फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था, वही उसी तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। इसके मैंने आपको 2 पार्ट्स किए हैं, अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन इनको करना। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लियर ऑल दैट। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और वी विल कंटिन्यू फ्रॉम माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।